Good morning everyone. Today I'm going to share you my everyday morning home cleaning routine. So मैं कैसे करती हूँ सुबह सुबह मेरा घर का cleaning आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ. I hope आपको अच्छे लगे. So मैं कोशिश करती हूँ रात को सारी चीज़ें समेट कर रखने के लिए, लेकिन बच्चे का कभी कभी स्कूल का होमवर्क वगैरह कुछ एक्स्ट्रा वर्क रहता है, सो इसलिए नहीं हो पाता है. तो मैं सुबह सुबह वो सब काम निपटा लेती हूँ. मैं घर का झाड़ू करने से पहले ही जो सारे ऊपर का चीज़ रहता है, डाइनिंग के ऊपर, सोफ़ा के ऊपर और स्टडी टेबल के ऊपर जो जो सामान रहता है वो सारे मिटा देती हूँ और डाइनिंग टेबल वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, सोफ़ा भी क्लीन कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं झाड़ू वगैरह करती हूँ. मैं ऐसे ही बहुत क्विकली वाइप भी कर लेती हूँ, मतलब अच्छा भी दिखता है फर्नीचर्स वगैरह. मेरी बेटी ने सारी जो कपड़ा सुखाने का हैंगर है वो पूरा बिखर के रखी थी, तो वो सब मैं अभी समेट रही हूँ. सोफ़ा तो हम लोग डेली ही क्लीन करते हैं, मतलब बच्चे हैं तो वो खाते रहते हैं और कुछ भी कलर वगैरह करते हैं तो पेंसिल वगैरह भी उधर ही रख देते, तो हमेशा क्लीन करती हूँ मैं सोफ़ा, वो करना भी चाहिए. और मैं झाड़ू करने से पहले सारे जो मैट वगैरह है वो उठा के बाहर रखती हूँ, क्योंकि अगर आप उधर घर में ही झाड़ू करने के टाइम, मतलब उधर ही अगर आप लोग कारपेट को साफ़ करेंगे तो घर में ही वो धूली रह जाएगा, इसीलिए मैं घर से उठा के बाहर रखती हूँ, बाहर उसको साफ़ करके ही अंदर करती हूँ. बाहर से मैंने साफ़ करके ही मैं अंदर डालती हूँ, वो अच्छा रहता है बाहर का, मतलब धूली वगैरह बाहर में अगर आप साफ़ करें तो. कोशिश कीजिएगा कि आपके घर पे जितना क्लीन हो, आपके घर की बाहर जो मतलब घर का एंट्रेंस है वो भी अच्छे से क्लीन रहना चाहिए, वो भी बहुत ही ज़रूरी है कि घर का एंट्रेंस भी साफ रहे. मैं हमेशा लाइज़ॉल या डेटॉल यूज़ करती हूँ, और बारिश के सीज़न में हो तो मैं डेटॉल ही यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा लाइज़र यूज़ करती हूँ. ये जो शाइनिंग वाला पोछा है ना वो बहुत इजीली हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है. ये देखिए मेरा क्लीनिंग होने के बाद मैं सारे मैट फिर से अपनी अपनी जगह पे रख लेती हूँ. ये देखिए मेरा घर बहुत क्लीन लगता है, मैं हमेशा ऐसे क्लीन रखना पसंद करती हूँ और मुझे भी बहुत शांति मिलती है घर क्लीन देखने में. सो इसी टाइप का मैं हमेशा घर मेरा क्लीन करती हूँ. आई होप आपको दिस ये वीडियो अच्छा लगे. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए.